पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पास जो थी उसकी 7 डीसी मशीन की हम उस पर आए हैं, तो उसमें तीसरा हमारे पास है फील्ड क्वायर्स और फील्ड वाइंडिंग। कभी कभी आप इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर जाते हैं तो उन्होंने मोटर जो होती है वो खोली होती है और उसको वाइंड कर रहे होते हैं, आप पूछे उससे क्या कर रहे हैं, वो उनको पता होता है कि हम उसको वाइंड कर रहे हैं। वाइंड का मतलब ये है कि उसके जो हमारे पास है कोर, हमने कोर पढ़ा था, ये हमारे पास कोर है ठीक है, उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, वो तार लपेट रहे होते हैं गोल गोल करके, ऐसे है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ऐसा हमारे पास तरीका कि पोल कवर के गिर्द लिपटी हुई कॉपर वायर्स या स्ट्रिप को फील्ड कॉइल कहते हैं। अब देखिए फील्ड कॉइल, उस सारी कॉइलों को जो कनेक्शन करते हैं तो हम उसको कॉइल्स कहते हैं, कि ये हमारे पास क्या है, फील्ड कॉइल है। इसके नाम से जाहिर है कि फील्ड फील्ड पैदा करने वाली मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने वाली कॉइल्स कॉइल ठीक है जी, कॉइल होते हैं गुच्छे होते हैं। अब इसका काम जैसे मैंने पहले बता दिया, करंट गुजर नहीं पा रही है, जैसे ही इसमें करंट गुजरता है तो ये क्या करता है, ये इसको कोर को मैग्नेटिस में कन्वर्ट कर देता है, और मैग्नेटिस कन्वर्ट करने के बाद इसके दो पोल बन जाते हैं, एक बन जाता है नॉर्थ एक बन जाता है साउथ, और जैसे ही दो पोल बनते हैं तो उससे फ्लक्स निकल के दूसरे में जारी होती है। अब हमने फ्लक्स प्रोड्यूस कर ली है, हमने मतलब अपनी डीसी मशीन के लिए हमें दो बुनियादी चीजों की जरूरत होती है, एक होती है फ्लक्स और एक होता है उसमें आर्मेचर जो कि उस फ्लक्स को चेंज करता है, बस इसी के गिर्द हमारी जो डीसी मशीन है वो होती है। अब हमने फ्लक्स जो है वो बना ली है, कैसे कैसे बनाई है, हमने जो कोर है हमारे पास पोल कोर जो है उसके गिर्द हमने तारे लपेटी, उसको कर दिया कनेक्शन किसके साथ, करंट के साथ। जब करंट इधर से भागेगा तो जारी बात है जिस चीज में जाता है करंट उसमें क्या होते हैं, मैग्नेटिस जो है वो दौड़ने लग जाते हैं और वो चीज मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देती है ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये फ्लक्स पैदा करती है ओके। जब अब आती है बात, अब हमने फ्लक्स बना लिया, हमने फ्लक्स बनाया तो अब फ्लक्स के साथ हमें उस फ्लक्स को चेंज करना है ताकि हम उससे ईएमएफ पैदा कर सके। तो क्या करेंगे हम जो है उसमें फ्लक्स को मतलब चेंज करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए हम उसके अंदर आर्मेचर रख देते हैं दरमियान में और उसको ऐसे घुमाते हैं, और आप देखते हैं कि आर्मेचर का जो हमारे पास होता है उसमें डिफरेंट टक्स होते हैं, डिफरेंट टक। तो क्या करता है, जैसे वो घूमता है तो टक जो है वो कभी जो फ्लक्स है उसको आगे पीछे कट करते रहते हैं, तो उस वजह से उसमें फ्लक्स चेंज होता रहता है। अगर फ्लक्स चेंज ना हो, एक ही तरह का आर्मेचर हो और वो घूमे ना, उसमें मतलब घूमे ना या वो खड़ा रहे या इतनी स्पीड से घूमे कि उसमें फ्लक्स चेंज ना हो, तो आपका करंट पैदा नहीं होगा। ये हमारे पास जनरेटर की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास है शक्ल और साइज। इसकी जो शक्ल है ये हमारे पास हर मोटर के लिए लड़ा हो सकती है, कॉइल्स की शक्ल। ये देखिए ये हमारे पास कोर है, अब देखिए ये पोल इस तरह के, जैसे इसको लपेटेंगे तो इस तरह की शक्ल हो जाएगी, अगर ये थोड़ा बड़ा होता तो इसको और करते तो उसकी बड़ी शक्ल हो जाती है, अगर ये टेढ़ा सा होता लंबा सा टेढ़ा सा तो उसकी शक्ल का होता। इसलिए फील्ड कॉइल्स या फील्ड वाइंडिंग जो है वो इसकी शक्ल पे डिपेंड करती है पोल पे, क्लियर है बात। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कि ये सारी कॉइल्स को, आपने ये भी लिखा होगा कि एंड पे वो जब कर रहे होते हैं वाइंडिंग कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, एंड पे कुछ तारे निकालते जाते हैं सारी, वो निकालने के बाद सारों को अलग गुच्छा लगा के एक एक टर्मिनल पे लगाते हैं दूसरी को दूसरी पे। तो इसका मतलब है कि क्या कर रहे हैं, वो सब कॉइल्स का सिलसिलावार जोड़ लगाते हैं, उनका कनेक्शन करते हैं। अब ये इंटरपोल का जो हमारे पास इंटरपोल है या कम्यूटेटिंग पोल, कि इंटरपोल क्या है या कम्यूटेटिंग पोल क्या है, फ्रेम के अंदर पोलों के दरमियान में हमारे पास कुछ जो होती हैं साख्तें होती हैं जो कि मुस्तदील की तरह की होती है साख्तें, ठीक है जी। पोलों के दौरान जो होता है ना हमारे पास, देखिए ये हमारे पास पोल है ये ऐसे, ठीक है जी, इसमें कुछ जो है हमारे पास इस तरह की साख्तें होती हैं जो कि एक दूसरे के मतवाजी होती हैं ओके। तो ये हमारे पास ब्रीक ब्रीक सी जो है हमारे पास साख्तें हैं, और इनका जो हमारे पास ये देखिए दोनों जो हमारे पास पोल का कोर थे, ठीक है जी, पोल कोर जो थे उसके दरमियान में है, और
इंटरपोल कहलाती हैं। ये इनकी वाइंडिंग कैसे की जाती है, इनके गिर्द भी थोड़ी बहुत जो है मोटी तारे लगाई जाती है। अब ये मैं बताता हूँ ये क्यों करते हैं। अब भी इसका फायदा ये है कि मोटेटर्स पर, ये हमारे पास देखिए उसके नाम से रोटेटर कम्यूटेटिंग जो है पोल है, रोटेटर पर पैदा होता है। जैसे जो हमारे पास जो उसका आर्मेचर है ना रोटेटर पे वो घूमता है तो उसमें कुछ चिंगारियां भी पैदा होती हैं, कुछ जो है मतलब शोले पैदा होते हैं, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर भी कुछ ना कुछ तारे लगाते हैं ताकि इसमें भी फ्लक्स पैदा होती रहे और उनका असर जाहिर होता रहे, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब हमारा आर्मेचर घूमता है ना तो उसके दौरान रिएक्शन होता है, उसका मतलब के उसके रिएक्शन को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, कि उसमें हमारे पास आर्मेचर में कुछ खराबियां कुछ मसले भी आते हैं ऐसे समझ लें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो उसको भी ये हमारे पास क्या करता है, कम करता है ताकि ये एक स्मूथली एक तरतीब से चलता रहे। अब जी बनावट इसकी देखें, जैसे मैंने कहा कि ये मुस्ततील तरह की होती हैं ऐसे बिल्कुल, ठीक है जी, तो मुस्ततीली तौर पे हैं और ये ठोस होती हैं, ठीक है, पत्थरियों से नहीं मिलकर बनी बल्कि ये रॉबर्ट आयरन या माल्टेड स्टील के साथ, मोल्टेड हमारे पास जो स्टील है उसके साथ बनी होती है, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गए जी इसके फील्ड कॉयल्स और जो हमारे पास इंटरपोल, ठीक है।